हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू सिविल स्पॉटलाइट ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वील सी ट्रैफिक सिग्नल फेजेस। स्पेशली बात करेंगे टू फेज सिग्नल की एंड फोर फेज सिग्नल की। अक्सर बच्चे इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेज क्या है, तो उसको मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की यहाँ पे कोशिश की। मैं जो डेफिनेशन देता हूँ बुक वाली नहीं है, सिंपल वाली है, वो ये कि मल्टीपल मूवमेंट्स डन एट ए टाइम इज कंसिडर्ड एज वन फेज। फॉर एग्जाम्पल, देखिए आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे रोड्स को मैंने मार्क कर दिया ए बी सी और डी से। ए का मतलब है यहाँ से ट्रैफिक और ये ट्रैफिक। अब आप सोच रहे होंगे इसमें लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक नहीं दिखाया है। लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि वेदर आपके पास सिग्नल में ग्रीन हो या रेड हो या एम्बर हो, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक ऑलवेज अलाउड होता है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक नहीं दिखाया है। तो अब आप ए रोड को देखेंगे, जैसी ए रोड के लिए ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट वाले तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जो थ्रू ट्रैफिक है ये सीधा निकलेगा और राइट टर्निंग ट्रैफिक निकलेगा। तो ये तीन मन्यूवर्स एक टाइम में हुए हैं, तो ये एक टाइम जो है ये कहलाएगा वन फेज। उसी तरीके से बी को देखते हैं। अब बी के लिए जैसे यहाँ पर ग्रीन दिखेगा ये थ्रू ट्रैफिक निकलेगा, राइट टर्निंग ट्रैफिक और लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक ऑलवेज ऑन रहता है। तो ये एक और तीन मनूवर्स हुए किस टाइम पे, एक टाइम पे। तो ये एक टाइम क्या हो गया, सेकंड फेज। सी पे भी उसी तरीके से थ्रू ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक एंड लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, ये क्या हुआ, थर्ड फेज। और उसी तरीके से डी पे भी हम देखेंगे ये आ गया फोर्थ फेज। यानी कि आप फोर्थ के बाद जब वापस जा रहे हैं तो अब आप ए पार्ट को रिपीट कर रहे हो, यानी कि साइकिल जो है रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से हम गिनते हैं कि नंबर ऑफ फेजेस क्या हुए। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप कह सकते हैं देर आर फोर फेजेस। अब इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने आपके लिए ग्रीन, एम्बर और रेड लाइट को यूज़ किया है। सपोज़ कीजिए अभी ए को ग्रीन था, तो ग्रीन हुई, ट्रैफिक रुकेगा जब एम्बर लाइट रुकेगी और पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा, यानी कि एम्बर लाइट में वो स्लो डाउन होगा और पूरी तरीके से स्टॉपिंग पॉइंट पे खड़ा हो जाएगा जब तक यहाँ ए पे रेड बनी रहेगी, ऑन द रोड रेड, ऑन द रोड ए बिकॉज ऑफ दिस रेड। अब आप ध्यान से देखेंगे, जब इसमें ग्रीन था तो बाकी सब में रेड है। अब जैसे बी में ग्रीन है तो सी डी और ए में रेड होगा, और फिर जैसे ही सी में ग्रीन एंड एम्बर आएंगे तो ए बी दोनों रेड में दिखेंगे, सिमिलरली डी में होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ फेजेस समझना हो तो आप ये भी काउंट कर लीजिए कि कितनी बार ग्रीन हो रहा है पूरी साइकिल के अंदर, तो उससे भी आप कह सकते हैं दैट इज़ द नंबर ऑफ फेजेस ऑफ दैट सिग्नल। अब मैं आपको वेरियस फोर लेग इंटरसेक्शन को कितने फेजेस में पूरे ट्रैफिक मैन्यूवर्स को कराया जा सकता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप बेसिकली इसको टू फेज और फोर फेज में देख सकते हैं। टू फेज का मतलब पूरी की पूरी जो ट्रैफिक मैन्यूवर्स की साइकिल है वो टू टाइम्स में पूरी कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिग्नल पे जो राइट टर्निंग ट्रैफिक है वो बहुत कम है, तो क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट बार ग्रीन होगा उस टाइम हम ये फोर और थ्री को अलाउ कर सकते हैं, और साथ साथ में जो सेवन नंबर है राइट टर्निंग ट्रैफिक और एट, इसको अलाउ कर देंगे। तो ये एट ए टाइम इतने सारे मैन्यूवर्स हो रहे हैं और इसको क्या कहेंगे, एक टाइम को एक फेज कहेंगे, ये फर्स्ट फेज हो गया। सिमिलरली अब बचा कुचा ट्रैफिक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो इधर से आ रहा था उसको नहीं लिया गया है, जो इधर से इधर जाने वाला था उसको नहीं लिया है, और साथ में जो ऊपर नीचे जाने वाले इनको नहीं दिखाया था, तो वो यहाँ दिखा दिया है टू और वन, फाइव और सिक्स के नंबर से। तो यू कैन सी दिस बिकम्स द फेज टू। तो हमारे पास बेसिकली एट काइंड्स ऑफ मैन्यूवर्स हो सकते थे ऑन एन इंटरसेक्शन, वो किसी भी नंबर ऑफ वे में हमें पूरे करने हैं। तो ये हमने दो बारी में पूरे कर दिए, तो ये क्या हो गया, टू फेज सिस्टम। अब फोर फेज सिस्टम क्या है, जो बेसिकली अडॉप्टेड है, बहुत ही लार्ज स्केल पे आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, और उसको मैं सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ ले रहा हूँ। फेज वन में ये दोनों ट्रैफिक पोर्शन जा सकते हैं, यानी कि लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक तो ऑलवेज अलाउड है, थ्रू ट्रैफिक और सेवंथ पोर्शन ये भी अलाउ कर दिया गया है। सिमिलरली फेज टू में फोर्थ
और ऊपर जाने वाला ट्रैफिक जो कि 8 से डिनोटेड है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। बाकी फेज थ्री में देखा जाए तो ऊपर से थ्रू ट्रैफिक, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक इज ऑलवेज अलाउड एंड 5 कैन मूव हियर। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे इतने सारे मनूवर उस पर्टिकुलर टाइम को कह देंगे एक फेज। तो ये कौन सा है? थर्ड फेज। इसी तरीके से राइट टर्निंग थ्रू ट्रैफिक एंड लेफ्ट टर्निंग इज ऑलवेज अलाउड, ये बन गया फोर्थ फेज। तो इन फोर फेजेस के अंदर पूरा ट्रैफिक जो था डिफरेंट डिफरेंट रोड्स के ऊपर वो क्रॉस करा दिया गया है। और भी आप सोच सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने एक और दिखाया फोर फेज का, सिर्फ यही वे नहीं है, एक ये भी है कि सबसे पहले थ्रू ट्रैफिक अलाउ कर दो फिर बाद में राइट टर्निंग ट्रैफिक अलाउ कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल से फेज वन के अंदर थ्रू ट्रैफिक अलाउ कर दिया विद लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, तो इधर वाला तो इधर चला जाएगा और ये वाला आता हुआ इधर चला जाएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। फेज टू में इधर जाने वाले के साथ लेफ्ट टर्निंग अलाउ कर दो और इसके साथ लेफ्ट टर्निंग अलाउ कर दो, फेज टू हो गया। अब लेफ्ट टर्निंग तो हो चुकी है, सिर्फ राइट टर्निंग ट्रैफिक बचा है, तो एट ए टाइम 7 और 8 वाला जो पोर्शन है उनकी राइट टर्निंग अलाउ कर दो और बाद में ये 5 और 6 की अलाउ कर दो। तो दिस शोज कि आपने 4 times में पूरा जो ट्रैफिक था वो इंटरसेक्शन में क्या कर दिया, अलाउ कर दिया मूव करने के लिए। तो जितने टाइम्स में आप अलाउ करेंगे वो बन गया है उतना ही फेज। अब आप सोच रहे होंगे एक और वे भी हो सकता है, जैसे कि ये कम से कम यूज़ होता है बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि अगर थ्रू ट्रैफिक आ रहा और यहाँ से राइट अलाउ करेंगे तो यहाँ होगी मर्जिंग, मर्जिंग की वजह से डिले भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ये यूज़ नहीं किया जाता है। तो बेसिकली बस समझाने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ओवरऑल ट्रैफिक्स को हम 4 parts में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अगेन थ्रू ट्रैफिक, दूसरी साइड का राइट टर्निंग ट्रैफिक, अगेन थ्रू ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक, थ्रू ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक, थ्रू ट्रैफिक एंड राइट टर्निंग ट्रैफिक, अगेन जो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक्स है जो ये थ्रू ट्रैफिक के साथ है वो बिना किसी प्रॉब्लम के मूव कर सकता है। तो व्हाट आर फेजेस नाउ? फेजेस आर नथिंग, इट इज जस्ट टू कंप्लीट द टोटल मनूवर्स ऑन एन इंटरसेक्शन इन द एन नंबर ऑफ टाइम्स इज बेसिकली द एन फेज ऑफ दैट ट्रैफिक सिग्नल और इंटरसेक्शन। अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की और इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सिविल स्पॉटलाइट को, यहाँ पे सब कुछ फ्री है और ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।